नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो जिला पंचायत से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही है। आपको बताते चले, जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। श्रीकला जिला अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुई है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ये पत्नी है, जो आपको बताते चले जो चुनाव हो रहे थे जिला पंचायत के, उसमें ये विजय घोषित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि श्रीकला जिला अध्यक्ष पद पर विजय घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत चुनाव जो हो रहे थे उसके जो रिजल्ट थे वो आ चुके हैं। जौनपुर से आपको बताते चले, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की धर्मपत्नी है श्रीकला, और नतीजे आने के बाद इन्हें विजय घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अभिवादन करती हुई नजर आई, जब चुनाव के परिणाम आ चुके उसके बाद जब उन्हें विजय घोषित किया गया तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, जिस तरीके से उन्हें भारी मतों से विजय बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की धर्मपत्नी जिला पंचायत चुनाव जीत चुकी है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे, जौनपुर से आ रही है। आपको बताते चलो, श्रीकला को जिला अध्यक्ष पद पर विजय घोषित कर दिया गया। तुर्की के साथ मिलकर दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का असल चेहरा फिर से दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर कहा कि दुनिया वीगर मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहती रहे, लेकिन वह इस मामले में चीनी सरकार के साथ खड़ा है। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय दिवस पर गुरुवार को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद में चीनी पत्रकारों को इंटरव्यू दिया। इमरान खान ने कहा कि शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहे सलूक के बारे में वेस्टर्न मीडिया और चीनी मीडिया में विरोधाभासी खबरें सामने आती हैं। इमरान खान ने स्पष्ट कहा है कि वीगर मुसलमानों पर वे चीन सरकार के स्टैंड को सही मानते हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से उनके साथ है। इस्लाम पर अपना दोगला रवैया उजागर करते हुए इमरान खान ने कहा, वेस्टर्न मीडिया वीगर मुसलमानों पर अत्याचार की बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, लेकिन कश्मीर के बारे में वे कोई कमेंट नहीं पास करते। हमारे चीन के साथ बेहद खास रिश्ते हैं, इसलिए वीगर मुसलमानों पर हम बाकी दुनिया के बजाय चीनी सरकार के स्टैंड को सही मानते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में चीनी सरकार और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने कहा कि शी जिनपिंग ने अपने देश से करप्शन को खत्म कर दिया, लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला। पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई संकट आया तब चीन उनके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहा, इसलिए वह भी हर हालत में चीन के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे। इमरान खान ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक कार्यकर्ता से सफर शुरू करके देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। इस पद तक पहुंचने तक वे सिस्टम के काम करने के तरीकों को अच्छी तरीके से समझ चुके थे। पश्चिमी देशों के लोकतंत्र में यह बात नहीं है। वहां पर अचानक राजनीति में आया कोई व्यक्ति भी पीएम राष्ट्रपति बन सकता है। इमरान खान ने कहा कि चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत मिलकर गुटबंदी कर रहे, अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर चीन का साथ छोड़ने का दबाव आ रहा, लेकिन किसी दबाव में नहीं झुकेगा, वह किसी भी हालत में चीन के साथ अपने रिश्ते कम नहीं करेगा। भारत के खिलाफ बोलते हुए इमरान ने कहा कि चीन बहुत शक्तिशाली देश है, भारत उससे किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। अगर मौजूदा विवाद में किसी को नुकसान हो रहा है तो वह केवल भारत को है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन में वीगर मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। वीगर राइट्स ग्रुप की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में साल 2014 से अब तक कम से कम 360 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक हस्तियों को कैद या हिरासत में ले लिया। वीगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट ने यह शोध तैयार किया और दुनिया के साथ साझा किया। इसमें इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि हिरासत में या उसके कुछ भी ही समय बाद 18 मौलवियों की मौत हो गई थी। हिरासत में लिए गए कई मौलवियों पर चरमपंथ का प्रचार करने, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए भीड़ जुटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उनके रिश्तेदारों के बयानों के मुताबिक इन मौलवियों पर लगे आरोपों के पीछे असली अपराध अमूमन ये होता है कि धार्मिक उपदेश देना, प्रार्थना समूह बुलाना या एक इमाम के तौर पर काम करना है।
लेकिन हैरानी की बात ये कि पाकिस्तान को ये सारी बातें नहीं दिखाई दी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।